बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर हमेशा से अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती रही है। जो उन्हें ठीक लगता है वो वही करती है। हाल ही में एक इवेंट में उन्होंने सीधे सीधे बात करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में एक फिल्म को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बहुत मामूली सी रकम दी जा रही थी। उन्होंने कहा कि हाल में मुझे एक फिल्म ऑफर की गई थी जिसे लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन जो पैसे दिए जा रहे थे वो बहुत ही कम थे। ये बहुत गलत है। मैंने उन्हें कहा कि इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद आप मुझे ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं, वो भी तब जब मैंने पिछले साल नीरजा जैसी फिल्म दी है। इसलिए मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने इतने कम पैसे देने का क्यों फैसला लिया है। इस सवाल पर मेकर्स ने जवाब दिया कि हमारी पिछली फिल्म अमूक स्टार के साथ फ्लॉप हो गई थी, इसलिए हमारे पास अधिक पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि उस स्टार की फिल्म अच्छा नहीं कर पाई, इसलिए एक स्टार जिसकी फिल्म अच्छा कर रही है आप उसे भी पैसे नहीं दोगे ताकि आप इस स्टार को पैसे दे सको। मैंने उन्हें कहा कि उन्हें किसी और की तलाश करनी चाहिए। सोनम कपूर ने बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेस के फीस में भेदभाव के बारे में खुलकर बात की और कहा कि ये काफ़ी गलत है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो आगे भी इसके खिलाफ बात करती रहेंगी। और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।